हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, करते हैं अपने व्लॉग का शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। तो देखिए, अब दिखाते हैं आज के हम अपने दिन को कि हम क्या-क्या काम कर रहे हैं। और देखिए, हमारे यहाँ पे कितना सुंदर फूल खिल रहा है। तो जी आज मिल गया है मुझे ये एक नया काम। मुझे लेके जानी है घर के लिए मिट्टी, जिससे कि मम्मी बनाएगी चूल्हा और बॉबी भी कुछ काम करेगी मिट्टी से। उसी के लिए मुझे यहाँ मिट्टी खोदनी पड़ रही है और मैं यहाँ से मिट्टी लेके और बाइक पे रख के अपने घर चला जाऊँगा। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि हम मिट्टी लेके घर कैसे पहुँचते हैं। धक्का दे रहा, देखो देखिए जी, मिट्टी लाई है आज। देखते हैं चिकनी मिट्टी आई या वैसी मिट्टी ले आई है। जान लगाओ, जोर लगा के, हाय साहब, जोर लगा के, जोर लगा के। अरे पीली मिट्टी है, चाय बना दो आपके लिए। थक गए, पानी पी लो। मैं थक गया, मेरे लिए पानी तो ला दो। आप भी थक गए? लो जी, बड़े बच्चे के लिए बड़ा गिलास और छोटे बच्चे के लिए छोटा गिलास। चलो भाई, दोनों के लिए पानी आ गया। ये हम ना मिट्टी लेके आए, पानी पिएंगे। ये सच्चे भाई थक गए भाई। अब चाय बना दो दोनों के लिए, है ना। पहले हम दोनों नहाएंगे, पहले हम दोनों नहाएंगे, निकाल निकाल के अब फिर चाय पिएंगे। चाय कंदु ने सुबह सुबह बहुत सारा काम किया, अब ये जल्दी जल्दी नहा के फिर नाश्ता करेगा। गरम गरम पानी, पानी ज्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा करो उसको। ठंडा कर लो, फूंक मार के पानी को। देखना बेटा, ए ठंडा हो गया, हो गया। चलो कंदु का पानी भी ठंडा हो गया, और ठंडा हो गया पानी, ठंडा हो गया। हाथ भी ठंडे हो गए, हाथ भी ठंडे हो गए, पानी भी, चोट भी ठीक हो गई। चोट भी ठीक हो गई, गुंठे की, गुंठे की। ये गुंठे में चोट कैसे लगी थी? ये छिलकी भी होगी, देखो सिर की चोट भी ठीक हो गई। हाँ। चलो फिर फटाफट नहाई नहाई करो, और लग जाएगी, और लग जाएगी चोट। हाँ। नहीं, और नहीं लगेगी। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का काम हमारा सारा ख़त्म हो चुका है और हमने पूजा भी कर ली है। कन्नू के पापा को नाश्ता भी दे दिया है और लंच भी पैक कर दिया है इधर, और कपड़े भी सारे धो दिए हैं। आज मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धोए हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे। मैं कन्नू के कल के कपड़े दिखाते हैं आपको, कितने सारे कपड़े हैं, लेकिन फिर भी हाथ से ही धो दिए थे क्योंकि सुबह अभी कन्नू के पापा उठे नहीं थे, तो इसीलिए देखिए सारे कपड़े आज मैंने धो दिए थे। और मम्मी ने कपड़े सारे फैला दिए थे क्योंकि मैं उधर कुछ काम कर रही थी, तो मम्मी कहने लगी कि मैं फैला देती हूँ सारे कपड़े और जब तक तू काम करेगी जब तक तो इनमें से हवा निकल जाएगी। मैं झाड़ू और पोछा लगा रही थी बैठक में। कन्नू क्या कर रहा मम्मी? इधर बंदूक चला रहा है। ये दिखाना कैसे बंदूक चला रहे हो आप, दिखाना बंदूक चला के। आज मम्मी ने कैसी कैसी साड़ी पहनी है कन्नू? कैप्सूल भी कहिए इसका तो बाबू। कैप्सूल भी है और क्या क्या है? और पेड़ भी है और क्या है? और एक कैप्सूल है माँ की साड़ी पे, और पेड़ है और फूल है। वो मम्मी के कपड़ों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। हेलो जी, नमस्कार। तो हम रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। लंच ले लिया है और ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं चल रहा हूँ। पर जाने से पहले आपको बुलवाना चाहता हूँ मम्मी से और बॉबी से। और देखिए आज इनका चल रहा है ये यहाँ पे ईटिंग। हाँ, एक मम्मी है और एक बॉबी है और एक इनका ये फोन, ये सब मिल के खाना खिला रही है इस छोटे से नन्हे से बच्चे को। से बच्चा है ये नन्हा सा बच्चा, परेशान करेगा। देखो ये नन्हे से बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है इस तरह से। आज देखो इनका स्टैंड किस तरह से लगाया है, ये खाना इसमें फिट कर दिया है और ये लगा दिया है। तो ये मम्मी का जो है ना, इसको पकड़ते पकड़ते हाथ दुखने लगता है। सही बात है ना, इसलिए हाथ दुखने लगता है, तो इसलिए मम्मी ने ये लगा दिया ये स्टैंड। इसका स्टैंड इनको मैंने ला के दे रखा है, कभी कभी यूज कर लेते हैं। पर ये इसको डर लगता है कि ये जब इसको खाना खाने के बाद इसको चिपटता है ना, तो उसको तोड़ देता है।
देखिए जी काम तो हमारा हो गया है सारा, झाड़ू भी लग गई है, पोछा भी लग गया, कन्नू पापा ड्यूटी भी चले गए थे और कपड़े भी चार तार धो दिए हैं। देखिए जी आज तो मम्मी दोपहर का काम खत्म हो गया है, तो मम्मी कन्नू को मेरे पास छोड़ करके और चली गई है, बोल रही है कि अब तेरी जिम्मेदारी है इसको देखने की। तो वे जब तक आएंगी जब तक मुझे इसका ध्यान रखना है, इसके साथ में खेलना है, मस्ती करनी है और इसको हंसा के रखना है, नहीं तो वे आएंगी रोता हुआ देखेंगी इसको तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलेगी थोड़ी देर के लिए गई थी और रुला दिया इसको, और पिताजी उधर लेट रहे हैं, जब थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे तो उनके लिए खाना भी बनाना है, मम्मी के लिए भी खाना बनाना है जब वे आ जाएंगी, और कन्नू के लिए भी बनाना है। आप भी खाओगे खाना? देखिए जी आज भी कितने सारे कबूतर, और वे तीन कबूतर मोटे मोटे हैं, इन्होंने ये इस कबूतर को और चिड़िया को इधर भेज दिया, खाने नहीं दे रहे इनको दाना, अरे डर गया बेचारा। और देखिए कितने सारे आ गए आज, फिर पाँच और एक छः और एक वो छोटी सी चिड़िया सात इधर है। मुझे लग रहा है पूरे आंगन में चावल का ढेर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दाने इनको कम रह जाते हैं शायद। देखिए जी मौसम कुछ ऐसा है, और इधर कबूतर चुग रहे थे दाना, तो काम तो लगभग सारा ख़त्म ही हो चुका है, पिताजी को भी खाना दे दिया है और उन्होंने खाना खा भी लिया है। अब देखते हैं मम्मी और पिताजी दोनों ही कन्नू का बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे लग रहा है पिताजी खाना खा कर बस टीवी देख रहे होंगे। पिताजी इधर टीवी देख रहे हैं, खाना खाने के बाद में टीवी देखते हैं। जो सुबह कन्नू के पापा मिट्टी लेकर आए थे उसमें मैं पानी डालने जा रही हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे हम, कितने दिन तक ये पानी, जब तक मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से गल नहीं जाएगी तब तक पानी डालते रहेंगे इसमें। बोल तो है चीकनी मिट्टी है पर मुझे रेतली मिट्टी लग रही है ये ना, डाल दिया यहाँ पे, थोड़ा सी मिट्टी लगा देती हूँ जो ताकि निकले ना, इधर पानी ना निकले इसमें से, ये ऐसे करके। इतना शरारती बच्चा है ना, मिट्टी की जो डली है वो उठा करके और उसको है ना इधर उधर डाल रहा था, और फिर उसके हाथ गंदे गए, उसने हाथ से पूछ लिया, अपने कपड़ों से पूछ लिए मिट्टी के जो हाथ थे, और फिर उसने क्या किया, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, हाथ धो रहे हो आप यहाँ पे, लाओ मैं अभी धो लूँ अपने हाथ, ऐसे धो, आपके हाथ कैसे धोती हूँ मैं, देखिए मेरा हाथ धोए जा रहे हैं, कन्नू मेरा हाथ धो रहा है कितने प्यार से हाथ धो रहे हो आप मेरा, मैं जुलाऊं, चलो बैठो मैं जुलाती हूँ आपको, आवाज कैसी हो गई आपकी, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, घोड़ा था घमंडी पोचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी, कैसे लगती है ठंडी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। बताइए खा के कैसा बन रहा आज, मैं भी कहते रहते हैं ना कि मम्मी के हाथ का प्रसाद बहुत ही अच्छा होता है, ऐसे ही बन रहा आज भी। आप हेलो जी नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल में। तो चलिए हम ऑफिस से आ गए हैं और देखते हैं, मैं सबसे पहले आया हूँ अपने पिताजी के पास में, और पिताजी से हालचाल पूछे, पिताजी कह रहे सब बढ़िया रहा दिन में, बस थोड़ी सी एक परेशानी रही, वो क्या कि कन्नू ने आज कुछ डिमांड कर दी थी पिताजी से और वो समझ नहीं पाए, तो क्या मांग रहे थे पिताजी, ममोद। अच्छा तो फिर मैं समझ नहीं आया ममोद क्या। अच्छा
फिर कहाँ गए थे मोमोज लेने के लिए? गोदाम में। मोमोज तो ठिल्ली वाला खड़ा रहता है। हाँ, ठिल्ली वाला। आपने कभी खाई नहीं मोमोज? कभी नहीं खाए, अभी भी नहीं खाए। ना पता होता मोमोज क्या होती है। अच्छा जी, तो फिर कंदू ने खा ली थी? खा ली थी। कहने लगा चलो यहाँ बैठ कर खाओगे, मैं कहा घर ही चल, घर ही खाइए। अच्छा, वहीं बैठ कर खाने कह रहा था। वहाँ थी उसमें बैठेंगे सपील पे, सपील पर जहाँ सब बच्चे बैठे खा रहे थे, वहीं बैठ कर खाओगे। अच्छा, मैं कहा चल घर चल, वहाँ रहोगे भैया। तो आज कंदू की डिमांड थी पिताजी से कि मोमोज खानी है। अब इसने किसी को खाते हुए देख लिया होगा मोमोज, एक आध बार मोमोज जो ताऊ जी की बेटी है अंशी वो मंगा लेती है अपने भाई से, और उसके लिए मोमोज आ जाते, तो उसको खाते हुए देखता है तो ये अपनी डिमांड कर देता है। तो आज आइसक्रीम नहीं मांगी, आइसक्रीम वाला आज आइसक्रीम वाला आया नहीं, चलो इसकी आइसक्रीम याद नहीं, आइसक्रीम तो जरूर मांगता, आइसक्रीम जरूर मांगते। तो ठीक है पिताजी, ठीक है। कन्नू मिस्त्री है छोटे वाला, इस पे नहीं हो पाने की, ठीक है मैं ठीक करके दे दूंगा आपको ये, ठीक है। जीभ निकालता है बार बार ये। आ जाओ बताओ ये कैसे फटी, बताओ जरा कैसे फटी है। देखो फिर निकली इसकी जीभ, फिर निकली, फिर निकल गई इसकी जीभ। देखो इसकी जीभ कैसे, बार जा जीभ निकली, जा जीभ काट लूंगी। वो लक्ष्मण ने ना काटी थी सुभद्रा की, मैं ये जीभ काट लूंगी। जीभ एक बार मुझे दिखाओ कैसे जीभ निकालते हैं। जीभ कैसे निकाला है ना, कैसे निकाला है, जीभ पकड़ूंगी, वो जीभ पकड़ूंगी, पकड़ूंगी जी तेरी मैं आज, जी पकड़ूंगी, जी पकड़ूंगी मैं। ये भाग्य, ये छुप के भाग्य। जीभ सॉरी, अब मैं जीभ नहीं निकालूंगा, अब मैं जीभ नहीं निकालूंगा। चलिए अपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक मिनट हो जाओ, एक मिनट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब होता है बेटा वो, लाइक कर देना, सप्लाई सप्लाई करता रहता है बस। लाइक कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना मेरे चैनल को। चलिए आज की वीडियो हम ही समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, नमस्कार। बोलो हमको अगली वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, नमस्कार।